छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। दरअसल 6 वर्ष से लंबित उनकी वेतन वृद्धि की मांग सरकार ने मान ली है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर रही है, लेकिन समिति के प्रबंधक अपने वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले 4 नवम्बर से सभी संभाग मुख्यालय में हड़ताल पर थे। कार्यालय में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद समिति प्रबंधकों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। इस विषय में कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि कोरिया जिले में धान खरीदी को लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। हाल फिलहाल 12 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पूरी कर समिति कर्मचारियों के वेतन में 25% की वृद्धि की गई है। इस पहल से संतुष्ट होकर समिति कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। ये कहना तो मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है, क्योंकि 14 नवंबर से धान खरीदी होनी है। हमारी तैयारी लगातार चल रही है, दिन और रात चल रही है, और आज शाम तक सभी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। बारदाने जा चुके हैं, ऐप डाउनलोड हो चुका है, ट्रायल रन हो चुका है, तो इट विल बी डन। समिति कर्मचारी संघ की ओर से हमारी मांग 300 की मांग थी, जो उनको मुख्यमंत्री माननीय विष्णु प्रसाद जी के द्वारा सार्थक पहल करते हुए उन पर विचार करते हुए आज लिखित आदेश दिया गया है और मान लिया गया है हमारी मांगों को। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं, जिसमें उनके द्वारा आज हमारे कर्मचारियों के हित की बात को जो सार्थक पहल किए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज से हम लोग का हड़ताल यहीं पर स्थगित समाप्त होता है।